नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल सुबोध जी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक साल पुराना बैंक का स्टेटमेंट कैसे निकालना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक साल पुराना अपने बैंक का स्टेटमेंट आप PDF में कैसे डाउनलोड करना है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो है स्टेट बैंक के लिए है, मतलब SBI बैंक के लिए है। अगर आपको HDFC बैंक या IDBI बैंक या आपको जो जियो पेमेंट का चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास सभी बैंकों का खाता है, हम एक एक करके वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो है SBI बैंक वाले के लिए। तो अगर आपको ज़रूरत है, कहीं पे भी आपको स्टेटमेंट देना है या आपको किसी में आपको काम है स्टेटमेंट का, तो ये वीडियो आप देख लीजिए पूरा, इस पर आपका 100% काम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे छोटा सा गुजारिश करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर से आपको SBI योनो लाइट ऐप डाउनलोड कर लेना है। आपको सबसे पहले ये वाला ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद ओपन कीजिएगा। जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे इस प्रकार से ऐप जो है आपका ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे जो है ध्यान से देखना है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ऐप आपका खुलेगा। अब आपको यहाँ पे जो है यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, तो यूजर नेम पासवर्ड दे के आपको लॉगिन करना है। तो दोस्तों, यूजर नेम पासवर्ड जो है आप बनाने के लिए यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, या आप जो है कमेंट कीजिएगा तो हम एक और वीडियो बनाए हैं जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड बनाए हैं, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। और यूजर नेम पासवर्ड बना के अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद आपका ये एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएगा। अब आपको एक साल या दो साल या छः महीना का स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको ये वाला जो ऑप्शन है अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद अकाउंट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको कितने दिन का स्टेटमेंट चाहिए आप यहाँ पे आपको बताना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 26/11/2022, तो यहाँ पे ये इन डेट है और ये स्टार डेट है। तो हमें डेट ये रखना है यही, और चेंज करना है ये वाला। हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जैसे कि मान लीजिए हम जनवरी का चाहिए, तो 1 जनवरी हम क्लिक कर दिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/1/2022 और 26/11/2022, ये है आज का और ये है पिछले का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे वी का भी ऑप्शन है और डाउनलोड का भी ऑप्शन है। तो अगर आपको किसी को देना है तो आप डाउनलोड कर लेंगे, किसी को नहीं देना है आप खुद से देखेंगे कि आपके खाते में कब कितना पैसा आया और गया है, तो आपको वी पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक साल आपको बताया था, तो एक साल का स्टेटमेंट यहाँ पे मिलेगा, 12 मंथ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये हमारा स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा और ये ओपन होगा, ठीक है। देखिए, डिजिट अकाउंट नंबर 11 डिजिट अकाउंट नंबर, तो ये PDF जो डाउनलोड हो गया है हमारा फ़ोन में, ठीक है। अब चलिए हम फाइल मैनेजर में चलते हैं। यहाँ पे हम फ़ोन में खोलेंगे, उसके बाद डाउनलोड फोल्डर में हम आएंगे। यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर है और ये है स्टेटमेंट का PDF वाला यहाँ पे, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और वी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो आप अपना खाता संख्या डालेंगे 11 अंक का। खाता संख्या देख के ओपन पे क्लिक कीजिएगा, आपका स्टेटमेंट खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे टोटल 8 पेज है और यहाँ पे पूरा एक साल का स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप एक साल दो साल का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक साल का एक ही बार निकाल लेंगे, आपको जैसे कि हमने 1/1/2022 और 1/1/26/11/2022 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मैक्सिमम पेज जो ट्रांजेक्शन हो 150 तक ही आता है। तो आपको 6 महीना 6 महीना 6 महीना करके निकालना है। टोटल अगर आप एक ही बार निकालेंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, आप 6 महीना 6 महीना करके निकालेंगे तो आपको टोटल जो है स्टेटमेंट आपको मिल